रोहित बोलना भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं, बाबर कभी कभी क्रिकेट खेलना भूल जाते हैं। वो थोड़े उस तरफ ज्यादा ही इमोशनल है, मतलब टीवी भी तोड़ देंगे ये सब का। हम वो सब नहीं करते। मेमोरेबल मैच था मेलबर्न में, इंडिया को 18 बॉल पे 48 चाहिए थे। आई वॉज विद ब्रेटली एंड आई आस्क्ड हिम क्या होगा, तो ही सेड इंडिया जीतेगा। सो आई विल शो यू माई टिकट, द प्राइस इज $10,000। आपके पास एक सोने का फोन है? जी, दिस इज द फोन। सो यार, हम भी पहुंच गए न्यूयॉर्क। हेलो, मेरा नाम है सानिया। हम आ गए न्यूयॉर्क और हमारे साथ आ गए टेक्निकल गुरु जी। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? और मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। मेरे पैर दुख गए न्यूयॉर्क में, चल चल के बहुत चलना पड़ता है। आई थिंक न्यूयॉर्क में अगर आप रहते ना तो आपकी वॉच के सारे रिंग्स पूरे हो जाएंगे, बिकॉज़ यू विल डेफिनेटली कंप्लीट ऑल योर स्टेप्स फॉर श्योर। बिल्कुल। मुझे बताओ, न्यूयॉर्क किस लिए आए हो, क्या होने वाला है यहाँ? आई थिंक मैं जिस फ्लाइट में आ रहा था, 80% वो फ्लाइट में सब लोग एक ही कारण से आए थे। आई थिंक आपके में सेम चीज होगी, बिकॉज इट इज द बिग डे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूएस। लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, कभी मजा आने वाला है। आई थिंक एवरीवन, मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ पे भी जो है ना, वो सब वो लोग हैं जो इंडिया से आए हैं न्यूयॉर्क मैच देखने के लिए, एंड जस्ट बिफोर द मैच वो घूमने आए टाइम्स स्क्वायर। बिल्कुल। देखो, इंडिया में बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हो रही है। देयर इज एन एक्साइटिंग इलेक्शन सीजन दैट हैपेंड। या व्हाट डू यू हैव टू से विद मोदी जी कमिंग बैक? डू यू हैव समथिंग टू से अबाउट दैट? आई थिंक वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन चल रहे थे, सब कुछ था, रिजल्ट्स भी आ गए फोर्थ को, ना तो पीएम मोदी हैज सिक्योर्ड अ हैट्रिक। अभी देखते हैं कि यहाँ पे गेम में कोई हैट्रिक मार पाता है नहीं मार पाता है। दैट्स अगेन फन टू वॉच। पर मुझे बताओ कि बहुत सारे इंडियंस मैं यहाँ मिली हूँ, उनका ये पेन है कि यार बहुत महंगी टिकट है, और आपके ऊपर मीम्स बनते हैं कि आप तो सब खरीद लेते हो। तो मुझे बताओ, आपको कितने की पड़ी है वो टिकट? You want me to show it to you? I can show it to you. Okay. So I will show you my ticket live in the tickets app. By the way, this is the official price. Okay. इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं है। So the ticket is the Diamond Club South, and the price is $10,000. $10,000. plus the local state taxes of the New York city. और ticket अमेरिका का टिकट भी तो लिखा होगा आपने? Yes, plus hotel, I mean, इतना महंगा है। The thing is, I'll tell you like my take about cricket. Yeah. मुझे क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, एंड आई थिंक 2011 जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हुआ था मोहाली में इंडिया पाकिस्तान का, वो मैच एंड उसके बाद के जितने मैचेस हुए आज तक वर्ल्ड कप वाले, इंडिया पाकिस्तान, आई हैव सीन देम ऑल। लास्ट T20 वर्ल्ड कप आई विद माय ब्रदर, हम दोनों गए थे दुबई से मेलबर्न। 13 घंटे की फ्लाइट थी, एंड वी वर इन मेलबर्न जस्ट फॉर 8 आवर्स, जस्ट फॉर द मैच, एंड केम बैक। सो आई मीन, आई एम अ बिट इमोशनल, दिल से आवाज निकलती है, तो आई मीन खर्चा इट्स फाइन, क्या कर सकते हैं। मैंने देखी आपकी रील कि आपने एमिरेट्स के स्टाफ से भी बुला दिया कि इंडिया जीतेगा, बट एमिरेट्स की फ्लाइट में आपकी सीट रिजर्व्ड है, बिकॉज़ आप इतना बैक एंड फोर्थ। काश होती, बट यू नो, वन डे यू नेवर नो। ओके, वन डे। देखो, एक चीज है जो मैंने आपके इंटरव्यू में देखी कि आपके पास एक सोने का फोन है। जी, आप मुझे दिखाएंगे वो फोन? जी, न्यूयॉर्क की सड़कों में वैसे जैसे खुलेआम चीज बाहर निकालनी नहीं चाहिए गाइस। That's the reason I'm not carrying any wallet, nothing. I'm completely, okay, you know, bare hands. But this is the phone. So yeah. And this is pure gold, 24 carat. It's 18 carat. Yeah. 18 carat, but काफी heavy भी है यार। Yeah. It's actually 350 grams of gold plus the weight of phone and the watch and everything. But the best part is what's written right here. It is a shlok from Mahabharat. Okay. Karmanya Badi ka raste, hum sabne suna hai ye shlok. Aur main isi se apna din start karta hu ki bas karm kare jao. फल जो है वो मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा या जो भी है, मतलब डोंट इवन थिंक अबाउट इट। आप मीम्स देखते हो ऐसे जो आपके ऊपर बनते हैं? हाँ, कभी कभी। और जब लोग बोलते हैं कि टेक्निकल गुरुजी सब खरीद लेते हैं, पाकिस्तानी टीम भी खरीद लो यार। अब अगर मैं सब कुछ खरीद रहा होता, वैसे मैं करता नहीं हूँ, बट चलो अज्यूम कर लेते हैं कि मैं सब कुछ खरीद लेता हूँ, तो मैं अच्छी चीजें खरीदूंगा ना। मेमोरेबल मैच था मेलबर्न में 2022 T20 वर्ल्ड कप, विराट मतलब ही नेल्ड इट उस गेम में। इंडिया को 18 बॉल पे 48 चाहिए थे। जो भी लोग थे वहां पे मेरे आसपास, सब बोल रहे थे कि इंडिया हारेगा। आई वॉज विद ब्रेटली एंड आई आस्क्ड हिम क्या होगा, तो ही सेड इंडिया जीतेगा। And then we saw 8 balls per 28, those two back-to-back sixes against Harris Raufi. We all seen that. So I think that was the match.
टेल मी, बहुत सारी कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में, आपने हमेशा हर इंटरव्यू में बोलते हो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपकी सारी गाड़ियों का नंबर भी एक है. यस, व्हाई इज दैट? आई वांट टू नो. आई मीन इजी रहता है ना. और क्या है वो नंबर? सो एनी टाइम वी आर इन दुबई वी कैन स्पॉट दिस. इट्स 9789 एंड लाइक देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस नंबर. इट्स समथिंग टू डू विद लाइक माय ब्रदर, लेट्स से. बट देन इजी इसलिए रहता है कि यूजुअली क्या होता है ना कि फिर कार समटाइम्स यू विल टेल द अदर पर्सन कि मैं ये गाड़ी में हूं, तो नंबर आपको याद रखना पड़ता है. बट इट्स इजी फॉर मी कि सबका नंबर एक है, तो जो मर्जी गाड़ी लेके निकलूंगा मेरे को पता है कि फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस इज R9789, पोर्शे इज P9789. सबका मिल नहीं पा रहा था, बट जिसका मिला मैंने लगाया. मुझे बताओ आप कोई क्रिकेटर से मिले हो आज तक, और कभी कोई स्टारस्ट्रक वाला मोमेंट हुआ है क्रिकेटर से मिलकर? टू बी ऑनेस्ट, स्टारस्ट्रक मैं एग्जैक्टली नहीं वर्ड यूज करूंगा, बट वी हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम ना. मतलब द काइंड ऑफ लाइफ दैट दे आर इन, वो कितना मेहनत करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फिटनेस, दे आर गिविंग फॉर द कंट्री, तो वो सब चीजें हैं. तो आई लाइक आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट. I have met Virat Kohli. I have met like a few others, but I would say meeting Virat was like the moment. You know, like we see this guy on the ground so aggressive, and then you see him outside very calm, very ekdam, bilkul, you know, different Virat altogether. It was a different experience. Yeah, you also met Shah Rukh Khan. So yes. I want to know, as like a full Bollywood fan, कि Shah Rukh Khan से मिलके कैसा लगता है? मजा आया. शाहरुख सेट चलिए शुरू करते. बिल्कुल उन्होंने वो बोला, ठीक है. नाउ आई हैव अ सेगमेंट कॉल्ड एक तीर से दो निशाने. आई एम गोना गिव यू सम क्वेश्चंस एंड यू गोना आस्क आंसर दैट. मुझे आपने इसे पहले नहीं भेजा है, एंड गाइस आई एम कंप्लीटली लाइक विदाउट एनी प्रिपरेशन हियर. अरे वी ट्रस्ट योर ह्यूमर. ठीक है. वन थिंग यू कैन से इन अ क्रिकेट स्टेडियम एंड यू कैन आल्सो से इन अ टेक रिव्यू. इन अ टेक रिव्यू बहुत मजा आया. Yeah, I mean, easy. Okay, one thing you can say about Indian elections and India versus Pakistan match. Hat-trick लेगी तो बहुत मजा आएगा. Okay, one thing common between India and Pakistan. One thing common between India and Pakistan, I think the emotions. बट वो थोड़े उस तरफ ज्यादा ही इमोशनल है. मतलब टीवी भी तोड़ देंगे सब, हम वो सब नहीं करते. बट यार इमोशंस आर काइंड ऑफ समटाइम्स कॉमन नो अक्रॉस. इस बार टीवी टूटेंगे यार, अभी नए नए लिए होंगे, वो हर बार क्या होता है तोड़ने का होता है नया लेते हैं, तो तोड़ते लेकिन पुराने वाले हमेशा, पुराने कितने बचे हैं वो देखते हैं. ओके, वन थिंग दैट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट इंडिया और पाकिस्तान के बारे में. अरे एक तोड़ना है, बहुत सारी चीजें हैं. मैं बोलना मतलब वो हो जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा. वी ऑल नो गाइस. ठीक है, एक कॉमन थिंग जो रोहित शर्मा और बाबर आजम. रोहित बोलना भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं, बाबर कभी कभी क्रिकेट खेलना भूल जाते हैं. आप बोल रोज मोड में आए हो, देख लिया. चलो एक रैपिड फायर राउंड भी कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा इजी है, ठीक है. ओके, फेवरेट इंडियन क्रिकेटर. फेवरेट इंडियन क्रिकेटर, आई मीन अभी अनफॉर्चुनेटली नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, बट धोनी. फोन में सारी दुनिया हमने इकट्ठा कर लिया, और बिकॉज मैंने अपने फोन के पीछे वॉच भी लगा ली है, तो मेरा 2-in-1 काम हो जाता है. तो फोन लेके चलता हूँ तो यार एवरीथिंग इज. आपने कराया कहाँ से? आई वांट टू नो, क्या ये हर जगह हो रहा है? नो, सो दिस इज अ कंपनी इन यूक्रेन व्हिच इज कॉल्ड ऑरम एडिशन. सो इट टुक हिम 1 year टू डिजाइन द फोन, टू पुट थिंग्स टुगेदर. वॉच की बैटरी फोन की बैटरी से जुड़ी हुई है, तो आप फोन चार्ज करते हो वॉच अपने आप चार्ज हो जाती है, एंड यू कांट टेक इट आउट. तो मतलब पिछले आईफोन 11 से स्टार्ट हुआ था ये, तो हर साल नया बन जाता है, और जो मतलब पुराने वाला फोन होता है वो फिर हमेशा ऐसा होता है कि कलेक्शन में एड हो जाता है. तो आपके पास बहुत सारे गोल्ड आईफोन कवर्स हैं? गोल्ड आईफोन्स भी हैं, वैसे बहुत सारे फोन्स हैं. आई थिंक मैंने जब लास्ट काउंट किया था तो 1000 के ऊपर नंबर आया था. ओ वाओ. फेवरेट क्रिकेट स्टेडियम क्या है? फेवरेट इन लाइक फॉर दिस वर्ल्ड कप, वेरेवर आई वुड से नरेंद्र मोदी स्टेडियम, टू बी ऑनेस्ट. मतलब आई हैव सीन MCG, आई हैव बीन एट द लॉर्ड्स, मैंने सब कुछ देखा है, बट जो स्केल दिखता है आपको एट अहमदाबाद ग्राउंड, वो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है. मतलब आपको इमेजिन नहीं होता है जब आप घुसते हो यहाँ पे 1,20,000-30,000 लोग जब बैठते हैं. I mean the entire vibe coming in, iconic. Okay, is AI exciting or scary? It's both.
और स्केरी के चक्कर में कभी कभी एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम भी हो जाता है, डर लगता है कि पता नहीं 5 साल बाद क्या होगा, बट एज ऑफ नाउ आई वुड से इट्स फन, मजा आता है, मतलब यू नो वी ऑल शुड एंजॉय द मोमेंट राइट नाउ बिकॉज कल पता नहीं क्या होगा, तो जब तक है तब तक तो मजे कर ले। ठीक है, लास्ट लाइव मैच जो आपने देखा हो? लास्ट लाइव मैच इट वॉज ये यार याद में दिलाओ प्लीज, 19th of November इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल, और या मतलब अगेन मैं दिल्ली से बॉम्बे गया था, बॉम्बे से हम फ्रेंड्स के साथ में ड्राइव करके अहमदाबाद गए, रात भर हमने गाड़ी चलाई, दिन भर हमने मैच देखा और फिर इंडिया हारा और फिर दोबारा ड्राइव करके मतलब या, लेकिन कोई बात नहीं, उससे 2 हफ्ते पहले इंडिया पाकिस्तान भी था और वहां भी इंडिया जीता था, तो अगेन ओके। एक इंडियन प्लेयर जो अभी टीम में दैट यू एडमायर द मोस्ट राइट नाउ, आई वुड से कोहली, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट बिकॉज़ the way he's done his journey in a way, matlab the consistency or the bilkul ekdam focused approach, aggression bhi hai, balance bhi hai, you know, everything coming along. Is there a Pakistani player you like or no? Yaar mereko dekhna hai wicket keeper ko because jo memes ban rahi hai bhai, bahut baatein hai. I saw that match Pakistan versus USA jahan pe he was a golden duck और LW जैसे हुआ, एम्पायर ने कर दिया, वो खड़े खड़े ऐसे 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 नहीं नहीं अरे घर का मैच छोड़ना यार, मतलब इट्स प्रॉपर, हां मतलब बोलते हैं लेवल सबके निकलेंगे, निकल नहीं रहा पाकिस्तान, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, लेवल उसी के निकलेंगे जो अच्छे से कैच पकड़ेगा, बट वहां पे कैच पकड़ नहीं पा रहे, वो छोड़ रहे हैं कैच, पता नहीं क्या चल रहा है, बट यार देखना है कल क्या होता है। ओके, एप्पल वॉच और ट्रेडिशनल वॉच? आई मीन दिखने में अच्छी ट्रेडिशनल लगती है बट ज्यादा काम ये करती है, तो एप्पल वॉच। ओके, इफ यू हैड अ क्रिकेट चैनल और YouTube, व्हाट वुड दैट बी? नाम क्या होता? नाम क्या होता? नाम होता चक्का मार के, व्हाटएवर, आई डोंट नो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, योर प्रेडिक्शन कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में क्या होगा, कितने रनों से जीतेगी इंडिया? यार अगर मुझे लगता है कि इंडिया अगर बैटिंग करती है पहले तो एटलीस्ट जो मार्जिन होगा वो 50 रन का होना चाहिए मिनिमम, और अगर इंडिया बाद में बैटिंग करती है तो एटलीस्ट मैं बोलूंगा 6 विकेट से तो ज्यादा या मतलब उससे कम नहीं होगा, मिनिमम 6 विकेट। बहुत लोग बोल रहे हैं कि टॉस इंडिया को जीत जाना चाहिए, पर आपको लगता है कि हार गए तब भी चांस है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब टॉस से थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल जाता है कंसीडरिंग जो पिच है ना, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो टॉस रहता है बट भाई फिर भी संभाल लेंगे, टॉस अगर जीत जाएंगे तो फिर तो मार्जिन और बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल संभाल लेंगे। बट थैंक यू सो मच गौरव हमारे साथ आने के लिए, you came all the way from where the stadium is to here, so thank you so much for giving us time. Thank you. Can you tell everybody subscribe to Switch? Guys, please subscribe and switch on your fun mode kyunki kal match hai, bahut maza aane wala hai. Yeah, good luck. Hum bhi pahunch gaye New York.